हेलो 8 क्लास। तो बच्चों, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मैंने आपके यहाँ पे लिख भी दिए हैं। आपके पास मैथ भी है, PDF मैंने प्रोवाइड करवा दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बच्चों देखो, इसमें मैं कह रहा इतना मुश्किल नहीं है आपको, अब तो आगे खुद ही कर लेना चाहिए था, ठीक है। पर फिर भी देख लीजिए, जो आपने सोचा है वो आप घर देख लीजिए, मेरे साथ मैच कर लीजिए कि आप सही थे या नहीं थे। देखो, आपको यहाँ पे बी की वैल्यू जो भी रखनी है रखिए, पर जब उसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो बी ही बन जाना चाहिए। यहाँ पे आप ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, पर जब उसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ए बन जाए, और सी की वैल्यू भी आपको डिसाइड करनी है। तो मान लो मैं आपको उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि एक रख लो तो 3 बन जा 3, पर बी यहाँ पे एक रखा और यहाँ पे 3 रखा, नहीं बन रहा। 2 रखो, नहीं बन रहा। आप बोलोगे सर 0 रख लो ना, तो 3 × 0 = 0, 0 बन गया। तो ये इतना तो श्योर हो गया कि बी की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जानी है, 0 बननी है। ए की वैल्यू क्या रखें बच्चों? ए की वैल्यू 3 × 2 = 6 बन रहा है, नहीं बन रहा। 4 रखें, 3 × 4 = 12, 12 यहाँ पे 4 बन रहा है, यहाँ पे 12 में बेटा 2 लिखा जाएगा ना कि 12 लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 2 बन रहा है, तो नहीं बनेगा। 5 लिख के देखिए, 3 × 5 = 15, 5 बन रहा है, यहाँ पे 5 बन रहा है। तो जो आगे है वो किसकी वैल्यू चली जाएगी? सी की वैल्यू। तो बस बी की वैल्यू 0 होगी, ए की वैल्यू 5 होगी और सी की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपकी वैल्यू 5, बी की वैल्यू 0 × 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 × 0 = 15, ये बन जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, सोचिए भाई यहाँ पे क्या बनेगा, बिना यू क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो, मान लो आप बी की वैल्यू तो बच्चों अब यहाँ पे फिर से यही जैसा ही केस है, करना तो आपको ही है ये। चलिए देखते हैं, एक रखते हैं, 5 × 5, यहाँ एक बन रहा है, यहाँ पे 5 बन रहा, तो ये नहीं बनेगा। 5 रखिए, 5 × 5 = 25, तो 5 आ गया ना पीछे। देखो 5 × 5 = 25, जो 5 है ना वो पीछे से ही बनना चाहिए, तो जो कैरी है वो 2 आगे चला जाएगा ना। अब आती है इसके साथ, पर इसके साथ करोगे तो ऐसा तो बन ही नहीं रहा। जब एक ए की वैल्यू आप कुछ भी रख रहे हो यहाँ पे, 1, देखो मैं आपको आसान बताऊँ, 1 0 से लेकर 9 तक चले जाओ और इस कैरी को 2 जोड़ोगे, देख लो नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो बी की वैल्यू थी, जो आपने 5 ली, ये गलत हो रही है। तो आप बी की वैल्यू 0 ले लो, 5 × 0 = 0, 0 हो गया, तो मतलब इतना तो सही है। अब आप ए की वैल्यू रख के देखिए, 1 2 3 4 5, 5 रखेंगे, तो जब ए की वैल्यू आप रखेंगे 5, तो 5 × 5 = 25, 5 बन गया ना, तो कैरी गया 2, तो 2 उधर चला जाएगा, तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 2। इट मीन्स ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है आपकी, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है 2, ये आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करोगे? पहले आपको ट्राई करनी है, उसके बाद मेरा ये देखना है वीडियो, ठीक है ना। अब बी की वैल्यू आप कुछ भी रख के देखिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख के देखो। मान लो बी की वैल्यू हम रखते हैं 4, तो 6 × 4 = 24, 4 बन गया, ठीक है ना। कैरी कितने बचे बच्चों? 2। अब यहाँ पे ए की वैल्यू रखिए, 1 2 3 7 5 जो भी है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे आप 7 रख के देखिए, 6 और यहाँ पे बन गया 7, 42 और प्लस में 4, सेम बननी चाहिए दोनों, तो 4 4 बन गया ना। तो बच्चों बस बी की वैल्यू 4 रहेगी और ए की वैल्यू कितनी रहेगी? 7। तो ये रहेगा आपके आज के क्वेश्चन 5 6 7, और बाकी कल कर देंगे, कल इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, ठीक है बच्चों।